सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित रहिए, ऐसी भगवान से मेरी प्रार्थना है। आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ और सुरक्षित रखें। बच्चों, हम लोगों ने वायुमंडल चैप्टर खत्म किया था, उसके बाद हम लोगों ने वायु की गतियां शुरू किया था, ठीक है ना? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था और साथ ही ये भी बताया था कि वायु की जो गतियाँ होती हैं वो वायु दाब के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, ठीक है? यानी कि जिधर वायु दाब कम या ज़्यादा होगा उसी के हिसाब से आपकी हवा, पवन या वायु चलेगी, ठीक। उसके बाद में आपसे मैंने शेयर किया था कि बहुत इम्पोर्टेंट बात कि वायु दाब जो है वो जिस जगह पर उच्च होगा उधर से हवाएं चलेंगी किधर की ओर, जिधर वायु दाब निम्न होगा, ठीक है। यानी कि हवाएं उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलेंगी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो धरातल पर चलने वाली हवा है, पवन है या वायु है हमारी, उनकी दिशा किन चीज़ों पर निर्भर करेगी? एक हमारी वायु दाब पर और दूसरी हमारी पृथ्वी की दैनिक गति या पृथ्वी की घूर्ण गति, ठीक है? क्लियर? पृथ्वी पर जो हवाएं चलती हैं उनकी दिशा किन चीज़ों पर निर्भर करती है? एक वायु दाब में अंतर पर, यानी वायु दाब पर, और दूसरा पृथ्वी की दैनिक गति या पृथ्वी की घूर्ण गति, जो कि एक ही है। क्लियर बच्चों? आगे हम लोगों ने बात की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर, यानी अपने लट्टू वाली नोक पर, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण पवनों की दिशा बदल जाती है, ठीक है? ठीक है ना? अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमने के कारण पवनों की दिशा बदल जाती है, यानी वो मुड़ जाती हैं, यानी कि उनमें विक्षेप हो जाता है, ठीक है? मैंने आपको बताया था कि पवन अगर सीधी चल रही है और वो अपनी दिशा छोड़ करके किसी दूसरी तरफ मुड़ जाती है, दाएं या बाएं, तो वो उसका मुड़ना कहलाता है या विक्षेप कहलाता है, ठीक है ना बच्चों? ठीक, अपनी दिशा को छोड़कर दूसरी दिशा में मुड़ना विक्षेप कहलाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले बल जिसके कारण कि ये दिशा मुड़ जाती है, उस बल को हम विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, जिस बल के कारण पवनों की दिशा में घूमना या मुड़ना या विक्षेपण होता है उसको हम विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहते हैं, ठीक है? ठीक, जो बल लगता है वो। और वायु के अपने मार्ग से बदल जाने, अपना मार्ग छोड़ के दूसरी तरफ मुड़ जाने या विचलित होने की जो क्रिया है वो विक्षेपण कहलाती है। क्लियर है बच्चों? यानी अपना रास्ता छोड़ करके वो किसी दूसरी तरफ मुड़ जाएगी तो वो विक्षेपण कहलाएगा। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो विक्षेपण की क्रिया होती है, यानी जो विक्षेपण होता है, इस विक्षेपण के कारण उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, आपको गोलार्ध मैंने पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था ना, ये आपकी पृथ्वी है, क्लियर है, ठीक है? ये भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के ऊपर का ये आपकी दिशाएं हैं, इनको याद रखिएगा। इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम दिशा है। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये
उत्तर दिशा है, इसलिए भूमध्य रेखा के ऊपर वाला हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध होता है। ठीक है, इस उत्तरी गोलार्ध में आपकी जो हवाएं होती हैं वो जिस दिशा में चल रही होती है उससे अपने दाहिने तरफ वो मुड़ जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात, क्लियर है? जैसे हम ऐसे सीधे, यानी ये हवाएं आपकी ऐसे सीधी चल रही हैं इस दिशा में, उत्तरी गोलार्ध की हम बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो हैं वो हमेशा अपने दाहिने तरफ, ये देखिए आपका दाया है, दाहिना हाथ है ना, तो दाहिनी दिशा किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। यानी ये जो हवाएं हैं जो इस दिशा में चल रही हैं वो उत्तरी गोलार्ध में विक्षेपण बल के कारण दाहिनी तरफ को मुड़ जाएंगी, इस तरफ को। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, आपकी घड़ी की सुई ऐसे चलती है ना, इस तरीके से 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी जो है हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण दिशा में मुड़ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से जब आप अपने दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, और जब हम दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, ये दक्षिण दिशा है, दक्षिणी गोलार्ध है, तो हवाएं अपने बाईं तरफ को मुड़ जाएंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर? दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ को मुड़ जाती हैं। ठीक, अब इसी सिद्धांत के आधार पर एक विद्वान थे जिनका नाम फेरल था, उन्होंने एक हवा या पवन संबंधी एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, फेरल का नियम कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत के आधार पर जो आपके विद्वान थे फेरल, उन्होंने एक पवन का सिद्धांत दिया था जिसे हम फेरल का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है? ठीक है ना बच्चों, आइए इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये आपकी हवाएं, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, ये आपकी क्या है, विषुवत रेखा है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको, जब हम 5th चैप्टर पढ़ रहे थे वायुमंडल, तो वहां पर आपको मैंने ताप गतिबंध पढ़ाए थे, और वहां पे हवा के बारे में भी थोड़ा सा बताया था कि हवाएं किधर से किधर को चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। तो देखिए, ये आपकी विषुवत रेखा है, यहाँ पर निम्न वायु दाब रहता है, आपको बताया था हमने, और निम्न वायु दाब के कारण ये उपोष्ण उच्च वायु दाब से जो हवाएं हैं वो इधर निम्न वायु दाब की ओर को चलने लगती हैं। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध से इधर को चलती हैं। तो देखिए, उपोष्ण उच्च वायु दाब दक्षिणी गोलार्ध और उपोष्ण उच्च वायु दाब उत्तरी गोलार्ध, दोनों में जो हवाएं हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तरफ को मुड़ जाएंगी। इसी तरीके से बच्चों देखिए, उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब और उपध्रुवीय निम्न वायु दाब दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलेंगी वो उत्तरी गोलार्ध वाली फिर अपने दाहिने तरफ इधर को मुड़ जाएंगी, क्योंकि वो इस तरफ को चल रही। ठीक है, तो दाहिने इधर को मुड़ेंगी, ये इधर चल रही थी तो इधर दाहिने मुड़ी अपने राइट हैंड साइड की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में ये अपने बाएं तरफ मुड़ जाएंगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, देखिए फिर से समझिए, विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब ये उपोष्ण उच्च वायु दाब उत्तरी गोलार्ध, उपोष्ण उच्च वायु दाब दक्षिणी गोलार्ध। मैंने आपको बताया था हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर को चलेंगी। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायु दाब से विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की ओर जो हवाएं चलेंगी वो दाहिने तरफ, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध की हवाएं हैं तो अपने दाहिने तरफ को मुड़ जाएंगी। इसी तरीके से उपोष्ण उच्च वायु दाब से विषुवत रेखीय निम्न वायु दाब की ओर जो दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं चलेंगी वो अपने बाएं तरफ को मुड़ जाएंगी। ठीक है, क्लियर? अब फिर हम उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं, उत्तरी
उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की ओर को जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी वो इस तरफ अपने दाहिने तरफ को मुड़ेंगी। क्लियर? ठीक है, कोरियालिस बल के कारण। और इधर देखिए, फिर ये दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की तरफ को जो हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी वो अपने बाएं तरफ को मुड़ जाएंगी। क्लियर है बेटा? ये फेरल का नियम है। इस नियम को फेरल द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि फेरल के नियम को चित्र से प्रदर्शित कीजिए, तो आप यही डायग्राम को बनाएंगे। क्लियर है? फेरल के नियम को चित्र से प्रदर्शित कीजिए, तो आपको ये डायग्राम वहां पर देना है और नीचे लिखना है फेरल के नियम द्वारा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। इस नियम को अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको और पीछे कराए गए काम को अपनी कॉपी पर कर लीजिएगा। ये डायग्राम आपको अपनी कॉपी पे बनाना है। लेफ्ट हैंड साइड पेज जो प्लेन पेपर है उस पर चैप्टर का नाम वायु की गतियां डाल करके इसको आप बना लीजिएगा। क्लियर है? और क्वेश्चन लिखेंगे फेरल के नियम के अनुसार वायु की गतियां। क्लियर? थैंक यू।